मेहता। ये होने वाला है मेरे चैनल का दूसरा ट्रैवल व्लॉग। पहला व्लॉग जो था वो मेरी नानी के घर का था, जो आप लोगों ने देखा होगा। मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो इस वीडियो के बाद। और आज का जो व्लॉग होने वाला है, मैं जा रही हूँ मम्मा के साथ अयोध्या। मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं आज तक कभी भी अयोध्या नहीं गई हूँ। मैं कितने टाइम से आई वॉज थिंकिंग, मतलब मैंने कितने टाइम से मैं सोच रही थी कि कोई ना कोई रिलीजियस प्लेस जाना है। मैंने एक्चुअली वृंदावन का भी बनाया हुआ था, बट हो नहीं पा रहा था, प्लान बन नहीं पा रहा था। बट अयोध्या का प्लान पता नहीं एकदम से बन गया। एक्चुअली मैं मेरी मम्मा का ऑफिस का स्टाफ जा रहा है, और फिर मेरा भी छुट्टी था, तो मैंने मम्मा को बोला मम्मा प्लीज़ मैं भी चल लेती हूँ साथ में। तो अब मम्मा और मैं जा रहे हैं, और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आज तक कभी भी गई नहीं हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है और अच्छे से दर्शन भी हो जाएंगे। एक्चुअली हम लोग सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं, बट एक दिन में हम लोग जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे सबके हम दर्शन कर लेंगे। और आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। आगे जाने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। साथ साथ में आप लोगों के भी मैं दर्शन कराऊंगी। हो सकता है कि ये व्लॉग लंबा चले, या फिर मैं इसी व्लॉग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, एक इसमें और जो दूसरा व्लॉग आएगा उसमें। तो जैसा भी रहेगा मैं आपको अपडेटेड रखूंगी। तो आज की रात की ही ट्रेन है हमारी, 9:40 की ट्रेन है हमारी। कल सुबह हम लोग अराउंड 10 पहुँच जाएंगे। तो अभी मैं रेडी होके मैं आपसे मिलती हूँ। मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ सीधे मम्मा के ऑफिस में, क्योंकि सारे लोग वहीं पर ही है तो वहीं पर ही सब लोग मिलेंगे। मैं ही यहाँ से अकेले जा रही हूँ। तो 9:40 की ट्रेन है और अभी भाई 6:40 हो रहा है। पता नहीं क्यों इतना जल्दी मुझे बुला रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, बट ठीक है चलो अब बुलाया तो चल लेगा। तो सब कुछ मेरा बैग, ये मेरे छोटू वाला बैग, और डन अब मैं मिलती हूँ आपको सीधे वहाँ पे। हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। 9:40 की ट्रेन थी और मम्मी ने कितने बजे बुलाया मेरे को, 7:30 बज रहे, मतलब अभी भी 8 बज रहे हैं और इतनी जल्दी आके हम लोग अब टाइम वेस्ट करने वाले हैं और कुछ नहीं होने वाला है। अब यहाँ थोड़ी सी बातें शतें करेंगे और मैं सीधे आपको ट्रेन में मिलूंगी, बोर्डिंग टाइम पे। चलो एक आप बोल दो जय श्री राम। जय श्री राम। ट्रेन बोर्ड वगैरह करके हम तो बस सो गए थे सीधे, इसलिए मैं अपनी तब का वीडियो नहीं बनाया। बट अभी सुबह हो चुके हैं और अभी हम लोग हैं कानपुर में। और ये जो मैंने आपको दिखाई ना रिवर, दैट वाज द गंगा रिवर। ठीक है, हम अभी तो टाइम हो रहा है, नीचे टाइम हो रहा है, गलत टाइम चल रहा है मैं। और जो स्टेशन से भी हमारा जो होटल था वो भी 1.5 किलोमीटर दूर था, और वहाँ से हम इतना पैदल चल कर आए हैं मम्मा भी नहाने। तो अभी मैंने शावर ले लिया है। अभी मैं जल्दी से आपको पहले छोटा सा ये टूर दे देती हूँ रूम का, नहीं तो गंदा हो जाएगा थोड़ी देर में ही, इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहा हमारा एंट्री गेट, यहाँ पे छोटू सा कबर्ड, यहाँ पे ये हमारा मिरर,
और ये इस साइड पे वॉशरूम, फिर यहाँ पे पूरा रूम, ये बेड, ऐसा। ठीक है, चलो अब थोड़ी देर में हम लोग ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। ब्रेकफास्ट तो क्या खाना ही होगा सीधे, क्योंकि दिन के बज रहे हैं 1, तो हम खाना ही खाएंगे। मैं आपको सीधे मिलूंगी रेडी होने के बाद। ज़्यादा टाइम नहीं, बट मैं आपको आउटफिट दिखाती हूँ। ये है मेरा आउटफिट और मम्मी का दिखाती हूँ ये। ओहो ओहो ओहो, बाल नहीं बनाए, बाल बनाने अभी बच्चे के। ये रहा मेरा आउटफिट। चलो चलो, बात खाना नहीं खाया मैंने। ठीक है, ट्रेन आई है 11:45 पे, मतलब 12 बजे मान लो, और ट्रेन अराइवल एक्चुअल टाइम था 10 या 10:30, मतलब इतना रहा, मतलब पूरा 1.5 घंटा ट्रेन लेट है। और हमें कल निकलना भी, कल ही हमारी ट्रेन है। दिन में कितने बजे की ट्रेन हमारी? 2-3 बजे की ट्रेन है हमारी, और हमें कल निकलना भी है। तो अभी इसीलिए ज़्यादा हड़बड़ हो रही है, क्योंकि हमें पता ही नहीं यार, सब चीज़ें कवर भी करनी है, सारी चीज़ें देखनी भी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहा है। इसलिए मैं आपको इसे बाहर मिलती हूँ। एक बार सारे बोल दो जय श्री राम। हम जा रहे हैं मंदिर। जल्दी फास्ट करो, दोनों हाथ में। अरे वाह, दे दो मम्मा, दे दो, आराम से दे दो, बस ऐसे ऐसे रखो, ऐसे रखो, लेना होगा वो ले लेगा। अच्छा हुआ हम लोगों ने टाइम पे दर्शन कर लिए। आप देखो कितनी ज्यादा भीड़ हो चुकी है।
है ना, वो सरयू है ना ये। मम्मी मेरी दूसरी वाली बोट पे चली गई है और मुझे यहाँ छोड़ गई अकेले। ज़्यादा लंबे दिन के बाद हम लोग आ चुके हैं घर, सब लोग थक चुके हैं और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। अब हमें कल सुबह 5 बजे उठना है गंगा स्नान के लिए। हम लोग डुबकी मार के आएंगे वहाँ पे, क्योंकि आज वैसे भी आरती हम लोगों ने अटेंड करी है वहाँ पे और शाम को तो हम लोग वैसे भी नहीं कर सकते थे क्योंकि टाइम भी नहीं था और हमें काफ़ी चीज़ें कवर भी करनी थी। तो और आरती के टाइम में मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, अभी जब मैं घर पे आई हूँ तब जाके मैंने फोन चार्ज करा है और ऑन करके आप लोगों से बात कर रही हूँ। वहाँ घाट पे आरती अटेंड करने के बाद छोटी सी क्लिप पहले रिकॉर्ड करी थी, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा पहले। तो उसके बाद हम लोग गए कुछ खाने के लिए, तो मेरा फोन स्विच ऑफ था, मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई और अभी हम लोग सीधे घर पे आए हैं। और अभी मैं कपड़े चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे रील शूट करनी थी, तो थोड़ा सा टचअप करके रील शूट करूंगी, उसके बाद कपड़े चेंज करके देन मैं आपको मिलती हूँ। और जब भी कल ही वॉश करें उसके बाद ठीक है, चलो।